वापस से आपका खूब खूब स्वागत आपके अपने YouTube के चैनल, जिसमें मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। कुछ नई कैटेगरीज इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। आने वाले समय में कुछ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। एनीवे, आज का टॉपिक है इस वीडियो का, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि टास्क मेट में टास्क आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है ना कि यार लगता है टास्क मेट बंद हो चुका है या टास्क मेट टास्क नहीं दे रहा, टास्क देता है। अभी ये मेरे पास दो टास्क आए हैं, कंपेयर टेस्ट के दो टाइप के टास्क आए हैं। अब इसमें से कोई एक टास्क का मैं शुरुआत करता हूँ। यानी मैं आपको बता दूँ, आज 4 मई है, ठीक है, आज की डेट 4 मई है। अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, इसको यस करके आपको नेक्स्ट कर देना है, यह नेक्स्ट देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए, ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टास्क करना होता है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये टास्क का मीनिंग क्या रहता है वो भी मैं बता चुका हूँ। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओके, समराइज समराइज। देखिए टाइटल, देखिए ओरिजिनल देखिए, समराइज जो है, समराइज को आपको बताना है कि ये इनफ है, मीनिंगफुल है कि नहीं है, या बिल्कुल मीनिंगलेस है, या थोड़ा बहुत मीनिंग है इसके अंदर, ये जो इसको समराइज में। तो ये आपको है ना, पहले टाइटल देखना होता है, टाइटल देखने के बाद आपको ओरिजिनल इसमें क्या लिखा रहता है वो देखना रहता है, और समराइज, ये तीनों चीज़ मैच करेगी नहीं, मतलब ये समराइज जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या फिर कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है ऐसा। तो कप सिर्फ होममेड कप सिर्फ शायद मैं रोगाणु रोधी मधुमक्खी के पराग नन सम बट नॉट मैक, हाँ सम, ठीक ये आएगा, नेक्स्ट का देना है। चीनी की जगह खाए खांड, नहीं तो और शरीर क्रम से जाने कैसे बहती खांड, धीरे धीरे इसका इस्तेमाल, ये तो नन आएगा। देखिए क्यों नन आएगा, कि चीनी के उपयोग की वजह से धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम हो गया है, किसका इस्तेमाल कम हो गया भाई है, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं हुआ, तो मीनिंगलेस मैं पकड़ूंगा। इसके बाद जॉन अब्राहम बने मोटो, आपको बता दें जॉन को देख लगन भी दिया है। सम मैं इन अप पे रख के नेक्स्ट चाहता हूँ, देखते हैं कि हम क्वालिफाई हुए कि नहीं। ओके, देखिए हम क्वालिफाई हो गए, तो इस तरह से ये क्वालिफाई करना होता है। अब स्टार्ट अर्निंग पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, अभी देखिएगा मेरे में 8 रुपया अभी है, आप ऊपर टॉप पे चेक करेंगे, लेट मी शो यू, आप अगर यहाँ ऊपर पे चेक करेंगे, ये देखिए 8 रुपीज़ है ना। अब मैं देखता हूँ, मारुति सुजुकी इज गैदरिंग अप फॉर न्यू लॉन्च ऑफ न्यू बोलेनो इंडियन, कैन यू आइडेंटिफाई, मारुति सुजुकी इज गैदरिंग अप फॉर अ न्यू लॉन्च ऑफ बोलेनो इन इंडिया ऑटोमोटिव मार्केट, ने इंडिया जापानी ब्रांड हैज ऑलरेडी कमिट द प्रोडक्शन, यस इनफ। अभी अंडर रिव्यू बता रहा है, आप ऊपर देख रहे हो अंडर रिव्यू बता रहे हैं ना, अभी 8 रुपीज़ है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप करिए, हाँ आपको क्वालिफाई होने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो तो मैं आपको बता दी है, बट मेरी और आपकी दोनों के इसमें मतलब चेंज हो सकता है, यानी कि शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अब वहाँ तक को आपको मैंने गाइड कर दिया कि किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है, ये कंपेयर टेक्स्ट वाला, ठीक है। थॉट्स, कैन यू आइडेंटिफाई, मेट बी प्रेजेंट अवेलेबल थॉट्स ऑन टोयोटा बीइंग द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड इन 2004 सर्वल डेकेड्स नाउ टोयोटा हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग सम ब्रिलियंट व्हीकल्स प्राइमरी रीजन फॉर द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड
लंच इसमें सम आएगा। देखिए टोयोटा कार के बारे में जो इतना पूरा लिखा था ना, उसके उसका पूरा इसके अंदर नहीं, तो सम आएगा है ना, इस बार सबमिट कर देना है। अब ये 3 रिव्यू बता रहा है और यहाँ 8 ही रुपया है, ये आगे चल के बढ़ेगा अगर मेरे जो है ना ये सही लिखा होगा तो बढ़ेगा। देखिए टाटा नेक्सॉन, द टाटा नेक्सॉन इज द बिगेस्ट सेलिंग एसयूवी इन जनवरी 2019। इनफ है, चलेगा ठीक है। अभी 4 रिव्यू, ये 5 और आखिरी सवाल है। डुकाटी अनाउंसेस द डुकाटी कस्टमाइज प्रोग्राम वर्ल्ड प्रोग्राम, डुकाटी बेस क्रिएट अ यूनिक मोटरसाइकिल विद द हेल्प ऑफ ब्रांड डिजाइन इंजीनियरिंग टीम, ग्लेजेस अपडेट ऑन कार एंड बाइक, द स्वीट लुकिंग इटालियन मोटरसाइकिल नो कस्टमाइज मैन। The world, yes. Yes, इसमें enough आएगा, ये मेरी thinking है ठीक है। As for the silent boarding potential mobility mind, as the silent potential match who doesn't mind waiting for his love, Abhishek Bachchan. Has a silent brooding present mind waiting love Bachchan's Robbie, perfect foil to Vicky Kaushal's wild child. इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नॉट मीनिंगफुल भाई, मुझे तो ये लगा है मैंने डाल दिया। ये देखिए टोटल 6 हो गया मेरा है ना। अब इसके बावजूद तो मेरे पास अभी टास्क अवेलेबल है, अभी 6 अंडर रिव्यू है, टोटल 25 रुपये पेंडिंग है ठीक है ना। अब पता चलेगा कि टोटल कितने रुपये इसमें मुझे मिलते हैं, तो तब तक मैं होल्ड करूँ या फिर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा कि कितने मेरे सही हुए। टोटल आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा मेरा 2-स्टार एक्यूरेसी है और इसमें 25 जो है मैंने पेंडिंग रिव्यू बता रहे हैं, 8 रुपये मेरे अप्रूव्ड है। और 6 अंडर रिव्यू है, टोटल 104 मैं मतलब कर चुका हूँ, रुपये कमा चुका हूँ इसमें, 115 रुपये मेरे जो 115 में टास्क कंप्लीट हो चुका है। एनीवे फिर अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी अर्निंग की है। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अर्निंग के बारे में, मेरे पास अभी फिलहाल टास्क है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मेरी टोटल 444 रुपीज़ अभी अप्रूव्ड है। लास्ट टाइम मैंने 1263 रुपये निकाले थे इसमें से। मेरी इसमें एक्यूरेसी है 3-स्टार और इसमें मैं सिल्वर लेवल पे हूँ और 1310 टास्क जो है मेरे पेड हो गए हैं। टोटल मैंने 1327 किए थे, इसका मतलब मेरा 17 टास्क जो है वो गलत हुआ है, अदरवाइज़ तो मैं पूरा मैंने मतलब टास्क कंप्लीट किए हैं। तो इसमें रियल में पैसे मिलते हैं,